जरूरी चीज है कि हमें कुछ होगा तो हम दवाई खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। और बेसिक टेस्टिंग सब किसी को करानी चाहिए। लोग बीमारी का वेट मत करो, अपनी बॉडी का चेकअप करवाओ रेगुलरली। ट्रेडमिल टेस्ट है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं पेशेंट के हम हार्ट रेट वगैरह और सारी जो जो हार्ट में चेंजेस आ रहे हैं ट्रेडमिल जब एक्सर्शन होता है तो उसमें डिपेंड करता है, और उसमें हार्ट में चेंजेस देखते हैं क्या क्या आ रहा है उसमें हार्ट रेट में, और उससे थोड़ा आइडिया होता है कोई कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, तो सब कुछ फिट है, हेल्थ का हार्ट का हेल्थ इशू कैसा है, क्या है स्टेटस, क्या है वो सब इसमें पता लगता है। सर एक और चीज़ मैं बोलना पूछना चाहूँगी, ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है बहुत कॉमन हो चुकी है, तो लोगों को पढ़ने के बाद वो लोग इतने एक्टिव रहते हैं, क्या उनको हार्ट अटैक नॉर्मल जैसे मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती, क्या मुझे भी चेकअप कराना चाहिए या फिर मुझे कुछ फील हो तभी कराना चाहिए ऐसा, क्योंकि लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि हमें कुछ होगा तो हम दवाई खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। आजकल देखो ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, और मेरे ख्याल से हर किसी को एक बार रेगुलर चेकअप हर किसी का होना चाहिए। हाँ मतलब फर्दर ऐसे इन्वेस्टिगेशन अगर नॉर्मल चेकअप में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, और बेसिक टेस्टिंग सब किसी को करानी चाहिए। तो हार्ट के लिए तो सर ने जैसे बोला कि पहले आप अपना बेसिक रेगुलर चेकअप बॉडी का चेकअप को मेंटेन करो, एक बॉडी चेकअप हमें कितना टाइम में करवा लेना चाहिए सर? एवरी सिक्स मंथ्स करा लेना चाहिए। तो आप लोग बीमारी का वेट मत करो, अपनी बॉडी का चेकअप करवाओ रेगुलरली, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको निकले तो फिर अपने डॉक्टर से कंसर्न करके, और मैं तो कहूँगी हार्ट के सुपर स्पेशलिस्ट हैं तो नंबर तो नीचे मैं मेंशन कर दूँगी, जिसको भी कोई प्रॉब्लम फील होती है तो नंबर पे सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और चेकअप करवा सकते हैं। ये मुझे तो बहुत ही एडवांस मशीन्स दिख रही हैं, बाकी तो ये टेस्ट होगा तो फिर प्राइवेसी में होता है ये, और ये दिस इज़ द मशीन लग पूरा ट्रेन मिल रहा है तो इसमें हम वॉक करते हैं और ये लीड्स वगैरह चेस्ट पे लगती है, हमारे बीट्स को नाम हमारे पास एक ओपीजी मशीन भी है वो डेंटल एक्सरे के लिए है, इसमें बेसिकली टीथ वगैरह का चेक होता है, उसमें सारा उसका जो भी कैविटीज हैं कुछ भी है तो उसमें पता लगता है। प्यासा पानी के पास जाएगा तो पानी पिएगा ही पिएगा, मैं लैब में आई हूँ तो मैं अपना टेस्ट करा के ही जाऊँगी, हालांकि मैं करवा लेती हूँ बहुत टाइम टाइम पे, और अब मैं थोड़ा तो जल्दी जल्दी करवाऊँगी अपना बॉडी चेकअप। बाहर की सुंदरता के साथ अंदर से भी हेल्थी होनी ज़रूरी है, क्योंकि यही लास्ट में आपका साथ देंगे। तो मेरे पास है डॉक्टर हिमानी जो आई स्पेशलिस्ट है, सो प्लीज़ अपने बारे में बताओ। मैं डॉक्टर हिमानी हूँ, मैंने अपना पीजीआई रोहतक से करा था, अभी
और मैं अपना आई का चेकअप करवा रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं पूरी बॉडी का चेकअप करवा रही हूँ, तो मैं यही करवाती तो अब मैं अपनी आईज़ को भी चेक कराऊंगी क्या मेरी आंखें अंदर से ठीक है। तो हिमा ने बताएगी वैसे मेरी थोड़ी ख़राब है ही, आप बता देना कितनी ख़राब है, पहचान नहीं पाती मैं लोगों को। मुझे पास का बहुत अच्छा दिखता है, दूर का नहीं दिखती, दूर का देखना भी क्यों नहीं, पर इनकी आंखें बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी आंखें हैं। तो अपनी आई चेकअप के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखूंगी, प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिएगा और प्लीज़ आइएगा। अच्छा जय माता दी।